नॉर एपिनेफ्रीन के, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन में डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम इसके डिफरेंट फंक्शन पढ़ेंगे, एपी नेफ्रीन एंड नॉर एपी नेफ्रीन, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन के अंदर डिफरेंस क्या है। इफ द एपिनेफ्रीन क्वांटिटी इज ग्रेटर, तो कार्डियक स्टिमुलेशन लीडिंग टुवर्ड्स अ ग्रेटर कार्डियक आउटपुट। अगर एपिनेफ्रीन की क्वांटिटी ज्यादा है तो क्या होगा, इफ एपिनेफ्रीन इज ग्रेटर, इफ इट इज प्रोड्यूस इन ग्रेटर अमाउंट, प्रोड्यूस इन ग्रेटर अमाउंट, इफ इट इज प्रोड्यूस इन ग्रेटर अमाउंट, इट काज द, किस चीज को काज करेगा, स्टिमुलेशन यानी कार्डियक स्टिमुलेशन, इट काज द कार्डियक स्टिमुलेशन, कार्डियक स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन विच इंक्रीज द कार्डियक इनपुट, विच इंक्रीज कार्डियक इनपुट, कार्डियक इनपुट यानी अगर एपिनेफ्रीन ज्यादा होगा तो कार्डियक इनपुट यानी क्या होगी, आउटपुट ज्यादा होगी, कार्डियक आउटपुट क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, या इसे क्या कहते हैं, बीटा स्टिमुलेशन कहते हैं। द प्रोसेस इज सेट टू बी बीटा स्टिमुलेशन, के इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बीटा स्टिमुलेशन कहा जाता है। द प्रोसेस इज सेट टू बी बीटा स्टिमुलेशन, कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बीटा स्टिमुलेशन का प्रोसेस बोलते हैं। द प्रोसेस इज सेट टू बी बीटा स्टिमुलेशन। अब नॉरएपिनेफ्रिन की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए तो किस वजह से और किस तरह से इंक्रीज होगा। इफ द क्वांटिटी ऑफ नॉर एपिनेफ्रीन आर इंक्रीज, इफ नॉर एपी नेफ्रीन इंक्रीज, अगर नॉर एपिनेफ्रीन इंक्रीज होगा देन क्या होगा, देन कंट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल, के ब्लड वेसल कंट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ब्लड वेसल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कंट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कंट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, कंट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल के इंक्रीज होने से यानी क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज, के ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इससे ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब अगर एपिनेफ्रीन की क्वांटिटी बढ़ती है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ती है, और अगर नॉर एपिनेफ्रीन की क्वांटिटी बढ़ती है तो क्या होता है कि कंट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। अगर एपिनेफ्रीन की टर्म क्या हो जाए, एपिनेफ्रीन की क्वांटिटी बढ़ जाए तो इंक्रीजिंग द मेटाबोलिज्म, ये मेटाबोलिज्म क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, इसकी क्वांटिटी बढ़ती है, इट इंक्रीज द मेटाबोलिज्म प्रोसेस 50 टाइम, इट इंक्रीज द मेटाबोलिज्म प्रोसेस 50 टाइम इफ देयर क्वांटिटी इज इंक्रीज, इफ देयर क्वांटिटी इज इंक्रीज, इफ देयर क्वांटिटी इज इंक्रीज, अगर क्या हो जाएगी, इनकी क्वांटिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो 50 टाइम क्या हो जाता है कि क्या इंक्रीज हो जाता है, यानी 50 टाइम मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इसका 50 टाइम मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब देखते ही हैं क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट आर गेट इंक्रीज, किस तरह से मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज। शाजीन, एक्सक्यूज मी सर, बहुत यस सर। अब बेटा कार्डियक इनपुट के लिहाज से मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर एपिनेफ्रीन की क्वांटिटी, सर दोबारा वैसे हो गया सर, अगर एपिनेफ्रीन की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाती है, और अगर नॉर एपिनेफ्रीन की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए तो क्या हो जाता है कि ब्लड वेसल कंट्रैक्ट होना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर एपिनेफ्रीन की क्वांटिटी इंक्रीज हो तो मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है,
अगर नॉर एपिनेफ्रिन की क्वांटिटी इंक्रीज हो तो क्या हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, यानी मेटाबॉलिज्म डिक्रीज, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज इफ द क्वांटिटी ऑफ, इफ द क्वांटिटी ऑफ नॉर एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन इंक्रीज और डिक्रीज, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, अगर इसकी क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो मेटाबॉलिज्म भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, मेटाबॉलिज्म इससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, इससे डिक्रीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट कौन सा होगा, एड्रिनल कार्टेक्स के लिहाज से कौन से हार्मोन्स हैं और किस तरह के हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये सारा कुछ देखना है। एड्रिनल कार्टेक्स के लिहाज से हार्मोन्स, एड्रिनल कार्टेक्स, देन हम इनके एंड पे एक साथ फंक्शन पढ़ेंगे। एड्रिनल कार्टेक्स हार्मोन क्या हो जाते हैं, आर रेफर टू एज, अगर इनको देखा जाए क्या कहा जाता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, एड्रिनल कार्टेक्स हार्मोन आर आल्सो सेट टू बी कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन के, इसको क्या कहते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन कहेंगे। अब क्या हो जाएगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन दो हिस्सों पर मुश्तमिल होंगे, एक क्या होगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, द वन इज कॉल्ड एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड, के इनके अंदर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होंगे, और दूसरा जो होगा दैट इज क्या हो जाएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये दो तरह के हार्मोन इसके अंदर क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। एड्रिनल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ द हार्मोन, वन इज कॉल्ड एज, यानी क्या कहेंगे, इनमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है जो कि दो टाइप के अंदर डिवाइड किए जाते हैं, एक क्या कहा जाता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और दूसरा क्या कहलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो देयर आर टू टाइप ऑफ द हार्मोन व्हिच आर प्रोड्यूस फ्रॉम द क्या हो जाएगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स, वन इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और एक और तरह का हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है इससे, जिसे क्या कहा जाता है, एंड्रोजेंस कहा जाता है, दीज आर सेट टू बी एंड्रोजेन। एन एक्स्ट्रा हार्मोन विच आल्सो प्रोड्यूस इज एंड्रोजेन हार्मोन, के ये क्या होगा, एंड्रोजेन हार्मोन्स क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अब कॉर्टेक्स रीजन को देखा जाए तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, सुनेंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स को देखा जाए तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा और तीनों के हार्मोन डिफरेंट होंगे, एक क्या कहलाएगा, यानी जोना ग्लूमेरुलोसा कहेंगे, एक को क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज जोना ग्लूमेरुलोसा, एक ये होगा, एंड द सेकेंड वन क्या कहलाएगा, जोना फेस्कुलेटा कहलाएगा, यानी सेकेंड वन रीजन इज कॉल्ड एज जोना फेस्कुलेटा। अब नेक्स्ट इसके अलावा अगर देखा जाए रेटिकुलरिस कहलाएगा, दैट इज नेक्स्ट रीजन इज जोना रेटिकुलरिस, के जोना रेटिकुलरिस क्या होगा, इट इज अ थर्ड पार्ट, यानी अगर एड्रिनल कार्टेक्स को देखा जाए तो एड्रिनल कार्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू, यानी क्या होगा, थ्री डिफरेंट रीजन, वन इज कॉल्ड एज जोना ग्लूमेरुलोसा एंड द सेकंड वन इज जोना फेस्कुलेटा यानी फेस्कुलेटा, और उसके बाद क्या होगा, जोना रेटिकुलरिस क्या होगा, ये तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। अब पहले हम देखते हैं जोना में ग्लूमेरुलोसा और इससे कौन सी तरह की सिक्रीशन खारिज होंगी, ये देखते हैं। फर्स्ट है जोना ग्लूमेरुलोसा, जोना ग्लूमेरुलोसा, अब ये कौन सा पार्ट है, कौन सी तरह की सिक्रीशन खारिज करेगा, ये देखते हैं। अब जोना ग्लूमेरुलोसा देखा जाए, इट इज आउट, यानी क्या होगा, आउटर मोस्ट जोन होगा बिलो द एड्रिनल कैप्सूल, इट इज, यानी क्या होगा, आउटर मोस्ट जोन, इट इज द आउटर मोस्ट जोन। अब इसकी पहले लोकेशन देख रहे हैं, आउटर मोस्ट जोन बिलो द एड्रिनल क्या हो जाएगा, एड्रिनल कैप्सूल, एड्रिनल कैप्सूल के ये नीचे मौजूद होगा, आउटर जोन है। अगर इन तीनों जोन में देखा जाए तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का आउटर होगा और उसकी कैप्सूल के या वॉल्स के क्या होगा, यानी नीचे की जानिब ये मौजूद होगा। अब इससे कौन सी सिक्रीशन खारिज होंगी, यानी क्या होगा, जोना ग्लूमेरुलोसा सिक्रीट,
यानी इसकी सिक्रीशन क्या होंगी, द सिक्रीशंस आर, यानी सिक्रीशन आर सेट टू बी मिनरलोकॉर्टिकॉइड, कि इसकी सिक्रीशन होंगी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होंगी, देयर सिक्रीशन आर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या होगा, इट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का क्या फंक्शन है, इट इज इन्वॉल्व इन द क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग ऑफ और रेगुलेशन ऑफ, इट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स के क्या करता है, यानी मेंटेनेंस के अंदर इन्वॉल्व होता है। ये क्या होगा, यानी अगर देखा जाए तो जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर मोस्ट रीजन है जो एड्रिनल कैप्सूल यानी आउटर कवरिंग के बाहर यानी नीचे जाने मौजूद होगा। सिक्रीशन क्या होगी, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड जो कि रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करती हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ना हो तो बॉडी फंक्शनिंग खत्म हो जाती है या क्या हो जाती है, डेथ के चांसेस भी हो सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये नेचुरली सिंथेसाइज्ड है, ये नेचुरली सिंथेसाइज्ड हार्मोन कंसीडर किए जाते हैं, नेचुरली सिंथेसाइज्ड हार्मोन है और यानी नेचुरली सिंथेसाइज्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरली सिंथेसाइज आ जाता है दैट इज कॉल्ड एज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इज आल्सो कॉल्ड एज क्या कहेंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन के इसको दूसरा नेम क्या कहते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन कहते हैं। एल्डोस्टेरोन इनके फंक्शन बाद में देखेंगे, इट इज कॉल्ड एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, कि इसे क्या कहेंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एंड द जोन इज कॉल्ड एज क्या कहेंगे, दैट जोन इज जोना ग्लोमेरुलोसा, एंड देन सेकंड इज जोना क्या हो जाएगा, दैट इज अ फैसिकुलेटा। एक्सक्यूज मी सर, यस सर, ये हम नेचुरली किस बेसिस पे कह रहे हैं, क्योंकि सारे हॉर्मोन्स तो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। नो, हम कह रहे हैं कि नेचुरली तौर पर। अब नेक्स्ट देखिए, उसके बाद अगर देखा जाए तो क्या होगा, दैट इज द जोन ऑफ फैसिकुलेटा, ये मिडल जोन है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज मिडल जोन व्हिच इज यानी सिचुएटेड बिटवीन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज मिडल जोन, इसे क्या कहेंगे, मिडल जोन, सिचुएटेड ये क्या होगा, मौजूद होगा सिचुएटेड बिटवीन किस चीज के, यानी जोना ग्लोमेरुलोसा ग्लोमेरुलोसा एंड रेटिकुलरिस रेटिकुलरिस इनके दरमियान में क्या होगा, मौजूद होगा। इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन दीज टू, यानी ये क्या होगा, ग्लोमेरुलोसा और रेटिकुलरिस के दरमियान में मौजूद होगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिडल जोन। और इसकी अगर प्राइमरी सिक्रीशन देखी जाए, देयर प्राइमरी सिक्रीशन इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, देयर प्राइमरी सिक्रीशन इज कॉल्ड एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, इसे क्या कहते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहा जाता है। इन दैट, अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या है, इंक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल, इन्वॉल्व इन इंक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये क्या करता है, इन्वॉल्व होता है किस चीज के अंदर, इन्वॉल्व इन इंक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने के लिए क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। अब किस चीज के, दे हैव एडिशनल इफेक्ट इन द प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। अगर इसका दूसरा काम देखा जाए तो क्या करेगा, यानी ये इफेक्ट डालेगा, इफेक्ट ऑन प्रोटीन, इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, कि ये प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट डालेगा। अब देखना यह है कि पॉजिटिव इफेक्ट या नेगेटिव। अब देखा जाए प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा, डिक्रीज, ताकि क्या करे, वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड के अंदर क्या कर सके, ग्लूकोज को इंक्रीज कर सके। अब अगर इसका एग्जाम्पल देखी जाए तो कौन सा हार्मोन है, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इज द हार्मोन विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम द, यानी क्या होगा, जोना फैस्कुलेटा, यानी जोना फैस्कुलेटा से हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो कॉर्टिसोल कहलाता है। देन है जोना रेटिकुलरिस, द थर्ड वन इज जोना रेटिकुलरिस। अब जोना रेटिकुलरिस क्या है,
इट इज द एंड रीजन। एंड रीजन ये क्या होगा, ऑलमोस्ट इनर मोस्ट रीजन है जिसे एंड रीजन कहते हैं, दैट इज द इनर मोस्ट रीजन, दैट इज अ इनर मोस्ट रीजन, इनर मोस्ट रीजन है ये, यानी सबसे अंदर की जानब जो रीजन मौजूद है वो ये है। अब ये क्या होगा, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द फैस्कुलेटा एंड मेडल्ला, ये किसके दरमियान होगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के बाद में होगा। यस, मैं कर देता हूं, वाइट पुट कर देता हूं। अब इट इज सिचुएटेड, हां जी, ये कहां पे मौजूद होगा, इट इज सिचुएटेड, ये किसके दरमियान होगा, सिचुएटेड बिटवीन, सिचुएटेड बिटवीन किस चीज के दरमियान, फैसिकुलेटा ये एंड क्या होगा, मेडल्ला, एक साइड पे फैसिकुलेटा होगा और दूसरी साइड पे एड्रिनल मेडल्ला होगा। तो जोना रेटिकुलरिस इज द, यानी क्या होगा, इनर मोस्ट जोन व्हिच इज यानी सिचुएटेड बिटवीन द क्या हो जाएगा, फैसिकुलेटा एंड एज वेल एज द मेडल्ला रीजन। अब इसकी सिक्रीशन देखी जाए, इट्स प्राइमरी सिक्रीशन इज, अगर इसकी प्राइमरी सिक्रीशन देखी जाए, दैट सिक्रीज द एंड्रोजेंस, दैट सिक्रीज एंड्रोजन हार्मोन के, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। अब एंड्रोजेनिक हार्मोन क्या करते हैं, सेम इफेक्ट डालते हैं मेल एंड यानी फीमेल सेक्स हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, तो एंड्रोजन क्या करते हैं, सेम इनका इफेक्ट है, सेम इफेक्ट क्या होगा, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल हार्मोन की तरह से, यानी डिवेलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इस तरह से। अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए तो दैट इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, अगर इसकी एग्जांपल देखें तो दैट इज अ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये तीनों हमने पार्ट्स पढ़े, एड्रिनल कॉर्टेक्स को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक उनका क्या रीजन था, दैट इज कॉल्ड एज क्या होगा, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैस्कुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। देन जोना ग्लोमेरुलोसा के अंदर ये आउटर मोस्ट रीजन होगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड प्रोड्यूस करेगा, रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट करेगा, और जोना फैस्कुलेटा का मिडल जोन है जो कि ग्लोमेरुलोसा और रेटिकुलरिस के दरमियान में मौजूद होगा, और ब्लड ग्लूकोज लेवल को इफेक्ट करेगा, और इफेक्ट करेगा प्रोटीन और मेटाबॉलिज्म को। इसकी एग्जांपल कॉर्टिसोल है, और जोना रेटिकुलरिस क्या होगा, इनर मोस्ट रीजन है जो कि सिचुएटेड होगा फैस्कुलेटा और मेडल्ला के दरमियान, और इसकी सिक्रीशन क्या होगी, एंड्रोजेंस क्या होगी, इसकी सिक्रीशन होगी। तो ये इस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट, हार्मोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हमने देखे, उसके बाद हमने कहा कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या है, इनके फंक्शन देखते हैं वन बाय वन। अब वन इज एल्डोस्टेरोन हार्मोन, अब हमने इसमें एल्डोस्टेरोन देखने हैं कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन कौन कौन से है, यानी जोना ग्लोमेरुलोसा की सिक्रीशन हमने क्या करनी है, देखनी है कि विच टाइप ऑफ द सिक्रीशन आर सिक्रीटेड बाय द जोना ग्लोमेरुलोसा, दैट इज द एल्डोस्टेरोन हार्मोन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्टीरॉयड हार्मोन, ये स्टीरॉयड हार्मोन होगा, इट इज कॉल्ड एज स्टीरॉयड हार्मोन, एसेंशियल फॉर लाइफ, ये बात ध्यान में रखिएगा, इसे दूसरा नेम कहा जाता है एसेंशियल फॉर लाइफ। अब क्यों कहा गया, एक्चुअली ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, इलेक्ट्रोलाइट जिनमें आपके पास क्या आ जाते हैं, यानी मेजर मिनरल भी आ जाते हैं और क्या हो जाता है कि माइनर मिनरल भी आ जाते हैं, उनकी बैलेंसिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है। अब इनकी एसेंशियल फॉर लाइफ अगर आपसे कहा जाए व्हाई एल्डोस्टेरोन इज एसेंशियल फॉर लाइफ, तो रीजन क्या है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ सोडियम रीअब्सॉर्प्शन इन द डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कॉर्टिकल, यानी क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट। ये एक्चुअली एसेंशियल फॉर लाइफ क्यों कहा जाता है, ये रीअब्सॉर्प्शन कराता है सोडियम, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम किसके अंदर, इन क्या हो जाएगा, डिस्टल एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ये सोडियम की कंसंट्रेशन को रीअब्सॉर्ब करने के लिए क्या किया जाता है, इन्वॉल्व होता है। अब अगर इसका नेक्स्ट फंक्शन देखा जाए तो क्या होगा, टारगेटेड सेल्स को प्रिंट, इनके टारगेटेड सेल्स क्या होंगे, आर कॉल्ड प्रिंसिपल सेल्स, सिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ मोर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, इसका बेसिक पंप इधर देखेंगे, एक तो सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन कराना और दूसरा सोडियम पोटेशियम क्या करना, सोडियम एंड पोटेशियम पंप को क्या करना,
यानी पंप का जो एंजाइम है उसका एंजाइम क्या होगा, एटीपीएज यानी एटीपी सिंथेसिस एंजाइम। अगर ये देखा जाए तो वाइटल रोल करता है इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी सिंथेसिस के अंदर, एटीपी सिंथेसिस के अंदर ये इफेक्ट काज करता है। अब देखिए इसके अदर इफेक्ट देखे जाए तो इफेक्ट कौन से हैं, अदर टाइप ऑफ इफेक्ट विच इज इफेक्टेड बाय द एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स आर, यानी कौन कौन से इफेक्ट होंगे ये इफेक्ट देखते हैं। पहला इफेक्ट क्या है कि रेनल एंड सर्कुलेटरी इफेक्ट, पहला क्या होगा किडनी और ब्लड के अंदर, रेनल एंड सर्कुलेटरी इफेक्ट, रेनल एंड सर्कुलेटरी इफेक्ट। अब इसका रेनल और सर्कुलेटरी इफेक्ट क्या है, विच टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉज बाय, यानी क्या हो जाएगा एल्डोस्टेरोन हार्मोन। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है एक्चुअली तौर पर, किसको क्या करता है, कवर करता है ये ध्यान में रखिएगा, रेनल और सर्कुलेटरी इफेक्ट में देखा जाए तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को कवर करता है। कैसे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसकी रेगुलेशन क्या होगी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की, इसको कंट्रोल करता है और सोडियम पोटेशियम को कंट्रोल करता है, द क्वांटिटी ऑफ सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये पहला इफेक्ट है इसका। इट इज क्लियर। अभी इसके अलावा क्या है, प्रमोट करता है रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम द, किस चीज से रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम को इंक्रीज करेगा, यानी किस चीज से, फ्रॉम द डक्ट ऑफ स्वेट एंड सलाइवरी ग्लैंड। ये क्या करता है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम इंक्रीज करेगा फ्रॉम, यानी किस चीज से, डक्ट ऑफ स्वेट एंड, स्वेट एंड सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट और सलेवरी ग्लैंड से सोडियम की क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, सोडियम की एब्जॉर्प्शन क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा करेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा सोडियम क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। अब रेगुलेशन ऑफ क्या हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन रिलीज, रेगुलेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, कि एल्डोस्टेरोन किस तरह से रेगुलेट होता है, हाउ द एल्डोस्टेरोन इज गेट रेगुलेटेड, कि एल्डोस्टेरोन की रेगुलेशन कैसे होगी, हाउ इट इज रेगुलेटेड इन द बॉडी, किस तरह से रेगुलेट होगा, इसको देखते हैं, रेगुलेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, रेगुलेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, हाउ द एल्डोस्टेरोन इज गेट रेगुलेटेड। अब एल्डोस्टेरोन किस तरह से क्या किया जाएगा, रेगुलेट होगा, हाउ द एल्डोस्टेरोन इज गेट रेगुलेटेड, किस तरह से एल्डोस्टेरोन रेगुलेट होगा, तो क्या होगा, डायरेक्ट स्टिमुलेट द या स्टिमुलेटर ऑफ रिलीज, इस एल्डोस्टेरोन के रिलीज होने के डायरेक्ट रेगुलेटर कौन से हैं, रिलीज के, रिलीज होने के डायरेक्ट रेगुलेटर, डायरेक्ट क्या होगा, रेगुलेटर कौन से है, यानी डायरेक्टली रेगुलेट कौन से करते हैं, पहला क्या है, इंक्रीज द एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम बढ़ जाए तो सोडियम रेगुलेट हो जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कैन कंट्रोल द सोडियम आयन सिक्रीशन या एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन तब होगी जब एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम बढ़ जाएगा, तो एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम इंक्रीज होगा तो सेल के अंदर, समझेंगे, अब ये सेल था, अब सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर क्या हो गया, पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, अंदर क्या पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज है और सोडियम आयन इंक्रीज है, तो क्या होगा कि सोडियम आयन क्या करेंगे, इनसाइड से आउटसाइड, और ये क्या करेगा, आउटसाइड से इनसाइड मूव करेगा, इस तरह से ये रेगुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, डिक्रीज द ऑस्मोलैरिटी, अगर डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी यानी अगर साल्ट कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई तो तब भी क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज होगा, अगर पोटेशियम आयन इंक्रीज हुए तब भी एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन होगी, अगर
साल्ट कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई तब भी क्या हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और यानी अगर थर्ड देखा जाए ACTH यानी क्या हो जाएगा, एड्रिनोकॉर्टिकॉइड थायराइड यानी क्या होगा, कॉर्टिकोथायराइड हार्मोन, अगर इसकी कंसंट्रेशन देखी जाए इंक्रीज या डिक्रीज हुई तो तब भी एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन पे इफेक्ट होगा। अब दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्टिमुलेटर क्या है, एक तो डायरेक्ट स्टिमुलेटर हमने पढ़े डायरेक्ट, अब हम पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट स्टिमुलेटर, इनडायरेक्ट स्टिमुलेटर ऑफ एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन के इनडायरेक्ट स्टिमुलेटर क्या है, यानी इनडायरेक्टली तौर पर कौन सी चीजें हैं जो एल्डोस्टेरोन को क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो पहली चीज डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर इंक्रीज द एल्डोस्टेरोन, कि अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तब एल्डोस्टेरोन इंक्रीज होगा, डिक्रीज इन द मैकुला डेंसा ब्लड फ्लो, डिक्रीज इन मैकुला डेंसा ब्लड फ्लो। याद करें आप लोगों ने फिजियो के अंदर पढ़ा होगा व्हाट इज क्या होगा मैकुला डेंसा ब्लड फ्लो, मैकुला डेंसा क्या होता है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैकुला डेंसा, व्हाट इज मैकुला डेंसा, हाँ जी हाउ वी कैन डिफाइन मैकुला डेंसा,